गाइस, क्या हालचाल सबके। होप आप लोग सब अच्छे और बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज आया हूँ मैं एक व्हीकल के शॉप के ऊपर गाइस, जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल के आपको सेकंड हैंड के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनके कॉस्ट सुन के आप शायद शॉक हो जाएं, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको यहाँ पे व्हीकल देखने वाले हैं। जो लोगों का बजट बहुत ही कम है, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स है कम बजट को लेके। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो शॉप पे खड़ा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है आर एम मोटर्स, और बाकी की डिटेल जो है आपको मैं उनके ऑनर के साथ बात करके बताता हूँ कि यहाँ पे फाइनेंस की क्या कंडीशंस है और कौन से मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। सो भाई, ये है इन सभी गाड़ियों के ऑनर, तो ये हमें बताएंगे डिटेल एक एक करके सभी गाड़ियों की, और वो भी हम सब बाहर जाके डिटेल चेक करेंगे, लेकिन अभी उनका नाम और एड्रेस के बारे में जानकारी कर लेते। तो भैया, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। महबूब मुल्ला मेरा नाम है। ओके, और हमारे शॉप का नाम है आरएम मोटर्स। ओके, तो ब्रो ये कहाँ पे, मतलब इसका एड्रेस फुल बता दीजिए मुझे। ये प्रेमदीप सोसाइटी नियर मास्टर बेकरी उद्यम नगर अजमेरा, ये पिंपरी में एड्रेस आता है। ओके, और सारे प्राइवेट गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ठीक है। और बाइक का जो भी एड्रेस है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पिंक कर दूंगा, और इनका कार्ड जो विजिटिंग कार्ड वो भी आपको दिखा दूंगा। और अभी ये बताएंगे हमें फाइनेंस के बारे में कि कैसे फाइनेंस आप करते हैं हैंडल वगैरह, तो वो बता दीजिए। 2011 के आगे की गाड़ियों पे हम फाइनेंस करते हैं। ओके, और महाराष्ट्र में पूरे सर्विस हमारे अवेलेबल है, तो ऑल इंडिया सभी तरफ, ऑल इंडिया भी हो जाएगी। ओके। तो अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि मैं 4 लाख की गाड़ी लेता हूं, तो मुझे कितनी मैक्सिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी? अगर 4 लाख की आप गाड़ी लेते हो, okay, तो उस पर 85% लोन हो जाएगा। ओके। बाकी का आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस देखिए, अगर आप 1-1.5 लाख रुपए की कोई गाड़ी भी लेते हो, तो आपको सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपया ही आपको डाउन पेमेंट करनी है, और गाड़ी आप अपने घर पे लेके जा सकते हैं। और बाइक की मैंने गाड़ियाँ देखी है, काफ़ी अच्छे प्राइस में है, और कंडीशन भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसी कैसी है। तो भाई, ये एक्सीडेंटल वगैरह गाड़ी तो नहीं रहती ना? आप चेक करके ले सकते हो, आपका पर्सनल मैकेनिक भी ला सकते हो। ओके, शोरूम में भी आप गाड़ी देख के ले सकते हो। ओके। तो ये सब, मतलब जो इसका सर्विसिंग का चार्जेस रहता है, या कुछ मतलब जो मेंटेनेंस रहता है, वो कुछ का वारंटी वारंटी आपकी कुछ रहती को? हाँ, 6 महीने की वारंटी रहती है इंजन की हमारी। ओके, और हम सर्विस करके भी देते हैं। हाँ, कुछ गाड़ियों पे आपको करना पड़ेगा सर्विस। ओके। तो चलिए भैया, अभी फिर गाड़ी देखते हैं हम, कौन सी आप दिखा रहे हैं हमें। पहले भैया पहली गाड़ी दिखाएंगे, तो भैया बताइए इसकी डिटेल हमें। तो पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की रेट्स। ओके, वीडीआई मॉडल है। हाँ, 2012 का मॉडल है, गाड़ी सेकेंड ओनर है, गाड़ी एकदम कंडीशन में है, और इसका प्राइस हमने रखा है 3,25,000 जो नेगोशिएबल प्राइस। गाइस, 3,25,000 में मॉडल कौन सा बोला आपने? 2012 का मॉडल। तो गाइस देखिए, कंडीशंस बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी हम इसको वॉश करके देंगे भैया, तो आपको बहुत ही अच्छा इसका जो निखारपन है देखने को मिलेगा यहाँ पे। और गाड़ी की कंडीशंस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। अब हम अंदर से भी इसको देखते हैं। तो गाइस देखिए, अंदर से आप कंडीशंस देख सकते हैं इसकी, तो काफ़ी अच्छी कंडीशंस है गाइस। तो अगर आप सीट कवर भी देख सकते हैं, गाड़ी एकदम कंडीशन में है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, और चारों पावर विंडोज मिलते हैं। ओके, ये सेकंड टॉप मॉडल है। ओके, तो गाड़ी एकदम कंडीशन में, पावर विंडो वगैरह सब है, पावर स्टेयरिंग है। ओके। तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? नेक्स्ट गाड़ी है एक और रीट्स है। ओके, 2011 का मॉडल है, ये भी गाड़ी सेकंड ओनर है, डीजल में है। ओके, और ये भी सेकंड टॉप मॉडल है। ठीक, तो इसका प्राइस हमने रखा है 2,90,000। ओके, नेगोशिएबल है, और लोन भी हो जाएगा। ओके, 2,90,000। अरे गाइस बहुत अच्छा प्राइस है यार। ठीक है गाइस, मेरे को तो कंडीशंस काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। और ये हम अंदर से देखते हैं इसको, कैसा है इसका इंटीरियर वगैरह है। तो गाइस अंदर से भी आप कंडीशंस देख सकते हैं, एक फैमिली गाड़ी है मेरे हिसाब से। तो कंडीशंस बहुत अच्छी है, कुछ भी खर्चा नहीं लग रहा मुझे इस गाड़ी के ऊपर अंदर से अगर देखा जाए तो। ये कंडीशंस के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसका ऑनर क्या है? सेकंड है, प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके। तो गाइस ऐसा नहीं है कि इनको भैया ने जो प्राइस बताया आपको यही है, आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको और भी थोड़ा बहुत कम कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट गाड़ी भैया कौन सी है? नेक्स्ट गाड़ी है महिंद्रा की कुंटो। ओके, ये 7 सीटर में गाड़ी है। ओके, 2013 का मॉडल है। ओके, और गाड़ी टॉप मॉडल है। तो भाई जिसकी बड़ी फैमिली है उनके लिए भी 7 सीटर है, तो मेरे हिसाब से तो ये जिसकी बड़ी फैमिली है उसको तो जरूर देखना चाहिए। और ये मॉडल कौन सा है? मॉडल है 2013 का। 2013 का मॉडल है ये। ओके, डीजल में। ओके, तो भैया इसका अंदर के कंडीशंस दिखा दिए। चलिए, इसमें आपको एयरबैग मिलते हैं, कंपनी का म्यूजिक सिस्टम। ओके, 4 पावर विंडोज। ओके, कुशन वगैरह भी अच्छा है।
उसमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं कंपनी के, और टायर कंडीशन भी 85% टायर है चारों टायरों के। चारों टायर ओके। तो चारों टायरों की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, देखिए 80% बोला है उन्होंने। तो एक बड़ी फैमिली के लिए मेरे हिसाब से तो एक अच्छी गाड़ी है यार ये। बोलिए। तो नेक्स्ट गाड़ी है स्विफ्ट, ये 2009 अक्टूबर का मॉडल है। ओके। ये भी डीजल है, सेकंड टॉप मॉडल है। हाँ। और इसका भी सेकंड ओनर ही हुआ है। ओके। तो प्राइस हमने रखा है 2,80,000। ओके। नेगोशिएबल है, इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। तो भाई गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। ये डीजल है, डीजल है। ओके ओके। सो गाइस जो नेक्स्ट गाड़ी है, दो वैगन आर खड़ी हुई है यहाँ पे, तो इनकी भी डिटेल लेते हैं पहले हम। एक फैमिली गाड़ी, कंप्लीट पैकेज। तो भैया इस गाड़ी के बारे में बताइए पहले हमें। तो ये 2013 का मॉडल है। ओके। गाड़ी फर्स्ट ओनर है। हाँ जी। और ये टॉप मॉडल है। ओके। प्योर पेट्रोल में गाड़ी है। हाँ हाँ। इसका प्राइस हमने रखा है 3,25,000। ओके। नेगोशिएबल हो जाएगा। हाँ हाँ। और लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। ठीक है भैया। तो अगर अंदर की कंडीशन की बात करें तो वो भी हम चेक कर लेते हैं पहले। इसमें भी आपको कंपनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। ओके। और 4 पावर विंडोज है। हाँ हाँ। बैक वाइपर है। ओके। इसकी भी टायर कंडीशन अच्छी है। तो कुशन वगैरह काफी अच्छे है, देखिए। तो नेक्स्ट गाड़ी भैया, गाड़ी कौन सी है हमें? नेक्स्ट गाड़ी है ब्रिज़ा, ये टॉप मॉडल है, गाड़ी ऑटोमेटिक में है, गाड़ी डीजल है। ओके। इसका सेकंड ओनर है, आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको कंपनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 4 पावर विंडोज है, पावर स्टेयरिंग है, एयरबैग है, और अलॉय व्हील्स है कंपनी के। ओके। तो इसके टायर की कंडीशन जो है? हाँ, 75% टायर। ओके। गाड़ी वाइट कलर में। ओके। जो कि नेगोशिएबल है और लोन भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छी गाड़ी है, और कंडीशन जो भैया ने आपको बताई दी है काफ़ी अच्छी है, और ब्रिज़ा मेरे को लग रहा है कि बहुत ही सही गाड़ी रहती है यार। नेक्स्ट गाड़ी है स्विफ्ट, ये 2015 का मॉडल है, ये ZDI प्लस है। ओके। गाड़ी बटन स्टार्ट है, डीजल में, फर्स्ट ओनर है। ओके। और इंटीरियर आप देख सकते हैं, कुशन वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें काम करवाया है, और कंपनी में सिस्टम, एयरबैग वगैरह सब मिलता है, अलॉय व्हील्स वगैरह है, फुल्ली लोडेड गाड़ी है। तो नेक्स्ट गाड़ी है वैगनर, ये 2010 का मॉडल है, गाड़ी सेकेंड ओनर है, ये ओनली 50,000 चली है, प्योर पेट्रोल में गाड़ी है। ओके। इसका प्राइस हमने रखा है 2,70,000, जो कि नेगोशिएबल है। ओके। इंटीरियर आप देख सकते हो, ये एलेक्सा मॉडल है, तो इसमें 2 पावर विंडोज मिलेंगे, आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम है, कुशन वगैरह भी आप देख सकते हो। भाई अंदर से जो कंडीशंस है लुक लाइक न्यू बोलूँगा मैं, और बहुत ही अच्छी कंडीशन से मेंटेन करके रखा हुआ है जिसकी भी गाड़ी रहेगी है, और मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है अंदर से जो भी इंटीरियर है इसका। कुशंस तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और एकदम न्यू लग रहे हैं। भैया चेंज हुए या नहीं, पहले की है? हाँ, चेंज हुए। तो ये चेंज किए गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है गाड़ी, और वैगन आर एक फैमिली वाली, कम्प्लीट फैमिली पैकेज है ये। तो लास्ट गाड़ी हमारी इनोवा, 2010 का मॉडल है, गाड़ी सेकंड ओनर है, डीजल में है। ओके। गाड़ी एकदम कंडीशन में है, ये जी मॉडल है, इसका प्राइस हमने रखा है 5.5 लाख। ओके। 5,50,000, जो कि नेगोशिएबल प्राइस है, इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसमें 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं। ओके। पावर स्टीयरिंग है, आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम है, ये 7 सीटर है। ओके। तो गाइस बड़ी फैमिली वालों के लिए भी यहाँ पे बेस्ट ऑफर है, 2010 का मॉडल इनोवा।
तो इसका प्राइस कितना बताया भैया आपने? इसका 550,000 प्राइस है। ओके नेगोशिएबल हो जाएगा। ओके ओके। तो गई ये थी कुछ गाड़ियाँ भैया ने, अभी और भी गाड़ियाँ हैं लेकिन हम इस अभी कवर नहीं कर पाते क्योंकि जगह की यहाँ पे कमी है भाई के पास, तो और भी बहुत सारा स्टॉक है लेकिन अभी जो कवर किया है हमने तो उनकी डिटेल हमने ऑलरेडी आपको बता दी। अभी आपको ये बता देंगे थोड़ा फाइनेंस के बारे में और कहाँ कहाँ तक गाड़ियाँ आप जहाँ पे आके विजिट कर सकते हो कहाँ से, तो बताइए आप यहाँ पर आइए, शॉप पे विजिट कीजिए, गाड़ियों पे आपको लोन करके भी मिल जाएगा और सर्विस भी हमारी अच्छी है। ओके। और आप ऑल इंडिया कहाँ से भी आएंगे तो आपको लोन करके मिल जाएगा। ओके। और हमारा शॉप का एड्रेस है प्रेमदीप सोसाइटी नियर मास्टर बेकरी उद्यम नगर अजमेरा। ओके। ये पिंपरी में एड्रेस आता है। ठीक है ठीक है। तो कुछ भी इशू रहेगा या कुछ भी इंक्वायरी रहेगी तो डायरेक्टली आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं भैया को, आपका उनका नंबर मैंने ऑलरेडी पिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। सो गई ये थी कुछ गाड़ियाँ जो भैया ने हमें एक एक करके सभी की जो है इंक्वायरी हमें करवा दी, हमें डिटेल दे दी। अगर आप में से कुछ लोग इसको इनमें इसको गाड़ियों को बाय करना चाहते हो डायरेक्टली इनके जो प्लेस है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया यहीं पे चाहिए वह डिलीवर कर दी जाएगी गाड़ी को, और आप खुद विजिट करो और किसी भी मैकेनिक को चेक करवाना है वो भी आप, वो भैया बोल रहे हैं कि आप करवा सकते हैं। और गाड़ियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और बजट के अंदर भी गाड़ियाँ काफ़ी फिट हो रही है। और बाकी जैसे आपको बता दिया कि प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पे आपको कम कर दिया जाएगा जो प्राइस बोला वैसा, एक्चुअल में वो नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो गाइस यही थी हमारी आज की ये वीडियो, और जैसे ही कुछ नया स्टॉक आता है तो हम फिर यहाँ पर विजिट करेंगे। तो अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।